तो देखिए गाइस मौसम कैसा हो रहा है हमारे यहाँ। मौसम तो बारिश का हो रहा है पर पता नहीं बरसेगा कि नहीं। और गर्जना भी काफ़ी ज़ोर से हो रही है, आपको सुन रही होगी। तो अब हमारी फसलों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बारिश तो होनी चाहिए, बारिश होनी बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए गाइस शाम का टाइम है और अचानक से सारा दिन धूप खिली हुई थी और अचानक से लगी बारिश। पता नहीं अब बारिश कितनी देर होएगी। तो काफ़ी दिनों से मौसम बहुत गर्म था और अचानक से इस टाइम बारिश का होना, आसमान में बादल गरजने शुरू हो गए हैं। वीडियो बनाते बनाते ज़ोर से बारिश आ रही है, अंदर गाय बोल रही है क्योंकि मुझे गाय से दूध भी निकालना है और गाय को मेरी आवाज़ सुन रही है तो ये बोलने शुरू कर दिया है। और ये देखिए गाइज आ गई है बारिश, फाइनली आ चुकी है बारिश, पर ये नहीं पता अभी कितनी देर की बारिश। और गाइज बारिश की वजह से देखो हमारे सारे पौधे भी सूख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई तो अब इसमें हरियाली नहीं आएगी क्योंकि ये सारा सूख चुका है पौधा, ये गर्मी के कारण हो रहा है। और ये देखिए गाइज हमारी शिमला मिर्च का, जो कि पानी के कारण इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि इनके पत्ते भी सारे नीचे की ओर गिर चुके हैं और इसमें ना थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च लगनी शुरू होगी। ये देखो गाइज ये छोटी छोटी शिमला मिर्च ना, तो अगर बारिश नहीं होती तो ये सारी ख़त्म हो जानी थी। और थोड़ी सी बारिश हुई अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं, अगर पूरी रात बचता रहे तो इन फसलों के लिए थोड़ा फ़ायदा होएगा। गाइस मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ना ये धूप का दाग लग चुका है इन मिर्चों में, ये ख़राब हो रही है। ये देखो ऐसे धूप के दाग लग रहे हैं बारिश होने के बगैर। अब थोड़ी सी राहत मिली है, वो भी बहुत कम, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे हमारी बहुत सी मिर्चें ख़राब होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी सब्जी बनाएं अपने फार्मिंग की को लेके। तो ऐसे भी तो ख़राब हो रही है, थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ मैं और इसकी सब्जी बनाती हूँ आज घर में। तो मैं बताती हूँ आपको मैं इसकी सब्जी कैसे बनाऊँगी। तो देखिए गाइस बिल्कुल मुरझा चुकी हैं हमारे पौधे भी। मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं, शायद रात को बारिश हो जाए। जितनी देर बारिश आती है उतनी देर में लाई हूँ बाल्टी और मैं तोड़ती हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च, अपने जो हमने खेत में उगाई है यहाँ की शिमला मिर्च तोड़ती हूँ। लगता है बारिश बहुत जोर की आने वाली है। यहाँ पे गाइस इतने ज़ोर से हवा चल रही थी तो मेरी ये छतरी संभालनी मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही उड़ जाऊँगी, तो बड़ी मुश्किल से छतरी संभाल रही थी मैं यहाँ पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं शिमला मिर्च, जो कि मैंने अभी खेत से तोड़ी है, अपने खेत से तोड़ी है। और अब मैं इसको भरवा बनाऊंगी, तो मैं बताती हूँ मैं इसको कैसे बनाऊंगी। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है और जैसे कि गाइस आज बारिश हुई मैंने आपको बताया है पिछली क्लिप में,
तो जिसकी वजह से तूफान आंधी आई रो, हमारी लाइट भी चली गई। ये तो चार्जिंग वाला बल्ब है जिसकी वजह से थोड़ी लाइट है, तो जितनी देर लाइट रहती है उतनी देर मैं बनाती हूँ जल्दी से शिमला मिर्च, और आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है गाइस मैंने, ये मैंने पहले ले के रखी थी, तो मेरे पास ये वाली छोटी कड़छी थी, तो इसकी सहायता से दो कड़छी ले ली मैंने, एक कड़छी ले ली मैंने, मेरे पास चावलों का आटा मिक्स था पिसा हुआ था वो ले लिया है, और कुछ ले लिया है मैंने बेसन। और अब इसमें डालूँगी मसाले, मसाले में डालूँगी, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ यही डालती हूँ जो कि हर एक के किचन में अवेलेबल होता है, धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर डालूँगी। तो ये डाल दिए हैं इसमें मसाले, मसाले में मैंने सिर्फ डाल दिया शिमला मिर्च तो मैं भर रही हूँ ऊपर, मिर्चें और लहसुन का पेस्ट, और मेरे पास था धनिया पाउडर और थोड़ा नमक, और डालूँगी मैं इसमें अमचूर पाउडर। तो गाइस जो ये मैंने घोल तैयार किया था, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसे थोड़ा हिला लूँगी। तो गाइस थोड़ा सा इसमें मैं छेद कर लूँगी और इसमें अंदर डालती रहूँगी जो मैंने अभी बनाया था। मैंने पहले इसे वॉश करके रखे, बस थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का हल्का सा छेद करिए हाथों की सहायता से, और जो इसमें ये है जो मैंने अभी बैटर बनाया था ना उसमें डालते रहे इसको। मेरे पीछे से मेरे ससुर जी की आवाज़ आ रही है और बारिश की भी बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे म्यूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी शिमला मिर्च में जो मैंने आपको पेस्ट बताया था वो डाल दिया है इसमें। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है और अब ये शिमला मिर्च मैंने भर दी है, और अब इसमें तेल काफ़ी गर्म हो चुका है मेरा, और यहाँ पे डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिए है शिमला मिर्च। तो ये तेल का काम है गैस को थोड़ी धीमी करें और तब इसमें शिमला मिर्च डालते रहें और धीमी आँच पे से पकाएँ। तो मेरी अपनी फार्मी की शिमला मिर्च हो गई है रेडी, और अब मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी और तब आपको वीडियो में शेयर करती रहूंगी कि मेरी शिमला मिर्च कैसी बनी रही। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे सब्सक्राइब करके जाएं। तो गाइस मैंने लगा ली है यहाँ पे थाली, तो ये है मेरी चपाती और ये है शिमला मिर्च जो कि मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था कि मैं भरुआ शिमला मिर्च बना रही हूँ। साथ में ले ली है मैंने चटनी, साथ में ले ली है छाछ। अगर मेरी वीडियो पे पहली बार हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और मुझे प्यार प्यार से कमेंट करें। यहाँ पे हस्बैंड की थाली हो चुकी है रेडी, अब ये इन्होंने कर दिया है खाना शुरू और मैं भी खाती हूँ अब, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।